हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है हमारी, ठीक ठीक है, इसको पढ़ते हैं। पहले पॉपुलेशन, सबसे पहले तो क्या होता है, एक ही सेम स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं एक साथ किसी एक एरिया में रहते हैं और आपस में इंटरब्रीड करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक ही अवस्था में रहने वाली चीज़ नहीं है, ठीक, स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं रहती है, वो डायनामिक चीज़ है, हमेशा चेंज होती रहती है। मतलब जो पॉपुलेशन की साइज़ है, या तो वो घटेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक, जैसे बर्थ होगा, अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन है और 20 बच्चों का जन्म हुआ तो 120 हो गया, कुछ लोगों की डेथ होगी तो कम हो जाएगा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, एक डायनामिक चीज़ है। और उसकी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है, मतलब पॉपुलेशन साइज़ की अगर हम बात करें, तो वो चार चीज़ों से अफेक्ट होती है। एक तो नेटेलिटी से, मतलब कि बर्थ से, दूसरी मोर्टेलिटी मतलब डेथ, तीसरा इमिग्रेशन मतलब कि एक पॉपुलेशन में कुछ लोग आ गए, और चौथा होता है इमाइग्रेशन, मतलब एक पॉपुलेशन से उठ के कुछ लोग चले गए, ठीक, उस पॉपुलेशन से बाहर चले गए। तो ये चारों चीज़ किस तरीके से अफेक्ट करती है, जब बर्थ होगी किसी पॉपुलेशन में और कुछ लोग अंदर आ जाएंगे उस पॉपुलेशन के, ठीक, ये पॉपुलेशन इसमें 100 लोग थे, इसमें कुछ लोग आ गए, और तो वो पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ेगा। ठीक, तो नेटेलिटी और जो इमिग्रेशन होते हैं वो पॉपुलेशन साइज़ को बढ़ाने का काम करते हैं, और जो मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन होता है वो पॉपुलेशन साइज़ को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों से जो हमारी पॉपुलेशन की साइज़ होती है वो क्या होती है, अफेक्ट होती रहती है, पॉपुलेशन अफेक्ट होता रहता है। ठीक, बात जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की करते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में हम इंक्रीज़ की बात मोस्टली करेंगे। ठीक, पॉपुलेशन चेंज की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज क्या है, ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन में चेंज करती हैं। तो पॉपुलेशन चेंज क्या होता है कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो चेंज हो जाना, तो वो पॉपुलेशन चेंज होता है। और पॉपुलेशन चेंज के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ हैगा। ठीक, और पॉपुलेशन चेंज होगी तो मतलब एक या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, तो पॉपुलेशन चेंज के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ आएगी। पॉपुलेशन ग्रोथ में हम पढ़ेंगे कि दो तरीक़ों से क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ करता है या कर सकता है। एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, जिसे हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं, और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई यहाँ पे। तो क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं, हम लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक में अगर देखें आप, तो लॉजिस्टिक जो है ये नाम से बता रहा है, लॉजिक, ये लॉजिक वाली बातें करता है, ये रियलिस्टिक बातें करता है, असल दुनिया में जो चीज़ होती है, जो ग्रोथ होता है उसकी बात करता है। एक्सपोनेंशियल, ठीक, एक्सपोनेंशियल ये एक्सपेक्टेशंस वाला है, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाला रहेगा ना, तो हमेशा ऊपर ही रहता है, ठीक, इसको ऐसे याद रखिएगा। और लॉजिस्टिक वाला तो लॉजिकल बात करेगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ होता है, सबसे पहले तो उस पॉपुलेशन में होता है जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। ठीक, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, फूड एकदम बढ़िया अच्छा खासा मौजूद है अनलिमिटेड मात्रा में, स्पेस अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद है। तो ऐसा अगर कोई पॉपुलेशन है तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक, देखिए अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो रिसोर्सेज से हमारा मतलब क्या होता है, तो रिसोर्सेज ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी सबस्टांस, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट इस एनवायरनमेंट में जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, उसका नीड होता है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक, तो अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये वैसी पॉपुलेशन में देखा जाता है, वहाँ पे पॉसिबल होता है जहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो एकदम अनलिमिटेड मात्रा में है। ठीक, स्पेस भी बहुत बढ़िया मात्रा में, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एनवायरनमेंट है जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और स्पेस अनलिमिटेड है, और इवन हम कह सकते हैं यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं के बराबर रहता है, ठीक, कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, तो ऐसा जब रहेगा तो वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास पूरा पोटेंशियल है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नंबर में, क्योंकि ना रिसोर्सेज की कोई चिंता है ना स्पेस कम है, तो वहाँ पे जो रिप्रोड्यूस होंगे इंडिविजुअल्स उनका एकदम नंबर हाई रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें एक ही बात हमें याद रखनी है कि ऐसी जगह पे होता है, ऐसी पॉपुलेशन में होता है जहाँ पे जो रिसोर्सेज होती हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, और रिसोर्सेज से मतलब हमारा जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं सर्वाइव करने के लिए वो। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो साइज़ होती है पॉपुलेशन की वो बढ़ती ही जाती है एट अ ग्रेटर एंड ग्रेटर रेट। ठीक, क्योंकि ये हमेशा ऊपर ही रहती है, ऊपर ही रहती है। इसका जो अभी हम बात भी करेंगे, तो ये जो
होता है कब, यहाँ पे मान लीजिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और यहाँ पे टाइम को ले लिया जाए, तो टाइम के साथ साथ हमेशा जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है ना बढ़ते ही जाते हैं, कोई रुकता वुकता नहीं है, ठीक, क्योंकि ना रिसोर्सेज की चिंता है ना स्पेस की चिंता है, तो यहाँ पे क्या होता है ऐसी पॉपुलेशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें पता रखने वाली तो बात यही है, इसके अलावा हमें इसका फॉर्मूला देखना रहता है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि पॉपुलेशन कैन एक्सपीरियंस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगी तो वहाँ पर क्या कौन सा ग्रोथ होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, और इस ग्रोथ में क्या होता है जो साइज होती है पॉपुलेशन की वो इंक्रीज करती रहती है ग्रेटर एंड ग्रेटर रेट पे। तो देखिए जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है ना उसका फॉर्मूला ये होता है, मतलब अगर कोई पॉपुलेशन है जिसका साइज एन है, ठीक, और बर्थ रेट को हम बी से एक्सप्रेस करें और डेथ रेट को डी से एक्सप्रेस करें, तो जो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है पॉपुलेशन साइज में, ठीक है, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं डी एन अपॉन डी टी से, तो यहाँ पे हमारा आएगा आर एन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, अभी ये फॉर्मूला आया कैसे अभी हम ये देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक और बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि एक पॉपुलेशन साइज़ की अगर हम बात करें तो बर्थ रेट को और डेथ रेट को हम कंसिड्रेशन में लेंगे, ठीक, बर्थ और डेथ को नहीं लेंगे, ठीक। तो चलिए पहले देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया था, इससे पहले कुछ और बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है डी एन अपॉन डी टी, तो एम तो हमें पता चल गया क्या होता है पॉपुलेशन साइज होता है, टी टाइम है, डी का मतलब हम आते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हैं डी मतलब डिफरेंस, तो इस पूरे का टोटल का मतलब क्या हो गया कि पॉपुलेशन साइज में कितना अंतर आया है पर यूनिट टाइम, ठीक है, इस पूरे का मतलब ये है। जब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तो हमारे पास ये इक्वेशन आता है, और ये इक्वेशन कैसे आता है तो देखिए यहाँ पे स्टेप वाइज बताया गया है, एक बार हम खुद से करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो कोई भी पॉपुलेशन होगी तो एक उसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी, ठीक, एन नॉट मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है। ओरिजिनल पॉपुलेशन से हमारा क्या मतलब है कि कोई भी पॉपुलेशन है, मान लीजिए अभी हमारा ईयर चला है 2023 को लेते हैं, ठीक है, तो आपने किसी पॉपुलेशन को देखना शुरू किया 2023 में, ठीक, तो वो क्या होगा, वो ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी। ओरिजिनल पॉपुलेशन के बाद आएगी हमारी जो चीज़ एन टी, एन टी से क्या मतलब है पॉपुलेशन आफ्टर टाइम पीरियड, ठीक है, आप एक साल बाद देख रहे हैं कि दो साल बाद देख रहे हैं, तो वो क्या होती है पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी, तो पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी, तो दो चीज़ें हो गई हमारी, एन नॉट हो गई जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है, और फिर एन टी हो गई जो हमारी टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप एक साल बाद देख रहे हैं या दो साल बाद देख रहे हैं, ठीक। और हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, ये हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या होता है कि आर का आर जो चीज़ है वो आई कहाँ से, तो देखिए हमने कहा कि पॉपुलेशन किन किन चीज़ों से अफेक्ट होगी, तो हमने लिया था बर्थ डेथ, और जिसको हम ग्रोथ मॉडल में पढ़ेंगे तो बर्थ डेथ रेट की बात करेंगे, और इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। लेकिन जब हम इन ग्रोथ मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बर्थ और डेथ को ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्यों करेंगे, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन को क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए एक पॉपुलेशन है उसमें बर्थ और जो डेथ है वो हमेशा होती रहेंगी, कोई भी पॉपुलेशन, ठीक है, बर्थ और डेथ हमेशा होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक पॉपुलेशन में हमेशा होती ही रहे, ये कुछ स्पेशल केसेस में ही सिर्फ इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन होती है, ठीक है। हमेशा तो नहीं है कि कोई एक जगह है तो वहाँ पे लोग आते ही रहते हैं और जाते ही रहते हैं, मतलब इमिग्रेशन मतलब आके वहाँ पे रहने लगे या छोड़ के चले जाएँ, तो कुछ स्पेशल केसेस में होते, इसीलिए हम ग्रोथ मॉडल में इन दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट को। तो क्या होता है, तो देखिए बर्थ को हम किससे शो करते हैं, नेटेलिटी को, नेटेलिटी कहें या फिर बर्थ कहें, ठीक है, ये तो डिवाइडेड लग रहा है ऐसे बर्थ, तो इसको हम शो करते हैं कैपिटल बी से, ठीक है, और जो हमारी मोर्टैलिटी होती है या फिर डेथ, इसको हम किससे शो करते हैं, कैपिटल डी से। लेकिन हम बात करेंगे किसकी, डेथ रेट की और बर्थ रेट की, क्योंकि हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। तो
बर्थ रेट को हम कैसे लिख सकते हैं? बर्थ रेट को हम कैसे लिख सकते हैं? बर्थ रेट कैसे निकलती है? बर्थ रेट निकलती है कितना नया बर्थ हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे बर्थ कितना, बर्थ अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है? यहाँ पे मैं एन लिख दे रही हूँ, ठीक है? ओरिजिनल पॉपुलेशन को हम एन नॉट से शो करते हैं या एन से, ठीक है? तो बर्थ रेट हम ऐसे निकालते हैं, कितना नया बर्थ हुआ है और ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है, ठीक? ऐसे ही डेथ रेट कैसे निकलेगी? डेथ रेट भी ऐसे निकलेगी कि डेथ रेट, और अच्छा बर्थ को रेट को हम स्मॉल बी से और डेथ रेट को स्मॉल डी से शो करते हैं। तो डेथ रेट का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? डेथ अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओरिजिनल पॉपुलेशन जितनी थी और उसमें डेथ कितनी हो गई, तो इससे हमारा क्या निकलता है? डेथ रेट निकलती है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम बर्थ निकालना चाहें, ठीक, ये तो बर्थ रेट है हमारी, ठीक है, बर्थ रेट है ना। अगर हम बर्थ निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं? डार्क हो गया, तो इसको हम यहाँ भेज सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे हमारी बर्थ निकल जाएगी, ऐसे हम इक्वेशन वन लिख सकते हैं, ठीक है? बर्थ अगर हम निकालना चाहें तो ऐसे ही होगा ना, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी, तो बी एन स्कल टू क्या आ जाएगा? हमारा कैपिटल बी आ जाएगा, जो हमारी क्या निकल गई? बर्थ। ये बर्थ ऐसे निकली। ऐसे ही अगर हम डेथ निकालना चाहें, डेथ डी निकालना चाहें, तो क्या हो सकती है हमारी? डी एन स्कल टू कैपिटल डी, ठीक है? ये हमारी क्या निकल गई? डेथ निकल गई, ठीक। तो चेंज इन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, डी एन अपॉन डी टी की बात करें, डी एन अपॉन डी टी क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम है, ठीक है? तो वो क्या आएगी? बर्थ माइनस डेथ। बर्थ माइनस डेथ होगा ना, बर्थ माइनस डेथ से हमें पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज होगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को, इस चीज़ को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में। हमने बी की वैल्यू निकाली है और डी की वैल्यू निकाली है, ठीक है? तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है? बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है? देखिए, बी एन माइनस डी की वैल्यू हमारी कितनी आई है? डी एन, स्मॉल डी एन आई है। तो इनसे हम एन को कॉमन ले लेंगे, तो बी माइनस डी आया है और एन इधर चला गया, ठीक। तो यहीं जब बी माइनस डी होता है ना, इसको हम आर कहते हैं, ठीक। बी माइनस डी को क्या क्या जाता है? आर। बर्थ रेट माइनस डी डेथ रेट क्या होगी? आर होगी। और अब हमारा जो फॉर्मूला था, ये यहाँ पे हम डी एन अपॉन डी टी लिखते रहेंगे, ठीक है? तो हमारा फॉर्मूला जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है, वो क्या हो गया? सेकेंड डी, दूसरे कलर से लिखो, डी एन अपॉन डी टी, और क्या आ गया? आर और एन आ गया ना, ठीक है? तो ये हमने पूरा फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है? जो इक्वेशन होता है ये होता है। निकला कैसे, आया कैसे, हमने ये बात की, ठीक है? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले तो क्या होगी? ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी, जिसे हम एन नॉट से शो करते हैं। फिर एन टी आएगा, पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी, ठीक। हमारा जो फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, वो है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में बर्थ होगा, डेथ होगा। एक्चुअली पॉपुलेशन की बर्थ रेट और डेथ रेट होती है। तो बर्थ रेट से हमने हमने ये निकाल लिया, बर्थ निकाल लिया और डेथ निकाल लिया, ठीक है? बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? कितने नए बर्थ हुए अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ऐसे ही हमने डेथ रेट निकाला, हमने फॉर्मूला पुट किया, और हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वैल्यू है, फॉर्मूला है, वो क्या हो गई? आ गई। अच्छा, अब ये जो आर है, आर को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस या फिर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये चीज़ कहा जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। मतलब अगर किसी पॉपुलेशन की आर ज़्यादा है, मतलब वो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, ठीक है? कि मतलब अगर किसी पॉपुलेशन में बर्थ ज़्यादा हो रही है एज इन कंपेयर टू डेथ, तो वो उसमें पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करेगा, ठीक। आर और भी काम करती है कि ये कुछ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, इस बात को भी बताती है, ठीक है? जैसे आर हमारी किसी भी पॉपुलेशन की, कोई इंसेक्ट है या फिर कोई
खरगोश है, चूहा है, ऐसा कोई भी चीज़ है, तो उनकी पॉपुलेशन को मान लीजिए किसी आर की वैल्यू ठीक ठाक चल रही है अभी, मतलब उसका बर्थ रेट ज़्यादा है किसी भी पॉपुलेशन का, फिर कोई ई बायोटिक या फिर बायोटिक फैक्टर, ठीक, मान लीजिए कोई खरगोश है, उन लोगों की पॉपुलेशन थी और आर की वैल्यू उसकी कुछ थी 0.08 या फिर ऐसे कुछ समझ लीजिए थी, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कुछ ऐसा ई बायोटिक फैक्टर हो गया कि क्लाइमेट चेंज हो गया या कुछ भी चीज़ हुई जिससे उनकी खरगोशों की जो मौत हो गई, कुछ खरगोश की मौत हो गई, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो जाएगी। बायोटिक फैक्टर्स मान लीजिए उसको कोई और जानवर खा जाए तो उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। तो आर क्या होता है, आर से हम ये पता लगाते हैं कि किस तरीके से कोई एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर उस पर अफेक्ट कर रहा है, ये बात भी पता लगती है, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमने फॉर्मूला कैसे आया इसकी बात कर ली। अब यही चीज़ जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने डिराइव करके बताया, ये चीज़ एक एक पॉइंट लिखी है तो आप देख सकते हैं, बाद में इसको लिख सकते हैं, ठीक। और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस या फिर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, और आर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसके लिए, इम्पैक्ट ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ को बताने के लिए, ठीक। अच्छा अब चीज़ क्या आती है, हम कर्व की बात करेंगे। तो कर्व की बात भी हमने की ड्रॉ किया था ऐसे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो ग्रोथ होती है ऐसे बढ़ती ही जाती है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रिसोर्सेस और स्पेस की कोई कमी नहीं रहती, अनलिमिटेड रहते हैं। तो जो इक्वेशन हमारा आया है dn अपॉन dt अपॉन rn डिस्क्राइब्स द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ फैक्टर पैटर्न, और हमें कर्व का शेप कौन सा मिलता है, तो जे शेप कर्व मिलता है, ठीक है, ऐसे जे शेप कर्व मिला हमें, और ये क्या है, कर्व है, वो ग्राफ है। तो क्या होता है, हमने उसको वो देखा, आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और कर्व भी याद रखना है, ठीक। ये एक और फॉर्मूला है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके निकाला गया है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। तो ये भी है, ठीक, एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई आर टी। तो यहाँ पे एन टी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, और एन नॉट मतलब टाइम जीरो मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन, और आर हमने देखा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होती है, और ई यहाँ पे क्या बता रहा है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक, ये चीज़ हो गई। देखिए तो सारी बात की हमने, अब थोड़ा एक एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ हम देख सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखने का समझने का जो हमें देखने को मिलता है वो हम एग्जांपल दे सकते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन होती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया बात कि बैक्टीरिया प्रोवाइड्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक, दे आर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं और वो डिवाइड करते हैं फिजन के द्वारा, ठीक है, विच टेक्स अबाउट एन आर फॉर ए मिनी बैक्टीरियल स्पीशीज, ठीक है। तो बैक्टीरिया फिजन के द्वारा, प्रोकैरियोटिक फिजन के द्वारा डिवाइड करती हैं, अपना नंबर बढ़ाती हैं, और मोस्टली जो बैक्टीरियल स्पीशीज होती हैं वो इस काम के लिए अबाउट 1 घंटा लेती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बात होती है कि अगर आप अनलिमिटेड सप्लाई कर दें न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, अगर आप अनलिमिटेड सप्लाई कर लें न्यूट्रिएंट्स की, तो अगर 1000 बैक्टीरिया है उनको आप एक फ्लास्क में रख दीजिए, तो वो 1 घंटे के अंदर, क्योंकि 1 घंटा मोस्टली यूज़ हो रहा है उनको डिवाइड करने में, 2000 बन जाएंगी, क्या होंगी, बैक्टीरिया बन जाएंगी। और अगर 1 दिन के लिए छोड़ दिया जाए और यही साइकिल 24 बार चले वो डिवीज़न की, तो वो पॉपुलेशन जो 1000 बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होती है वो 16 बिलियन हो जाएगी सिर्फ 1 दिन में ही, अगर 24 साइकिल चली तो। तो देख रहे हैं, तो अगर ये भी देखिए कितना, 1000 से 16 बिलियन होना, तो ये भी तो एक तरह का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही तो है, एकदम फटाक से यहाँ से यहाँ एकदम पहुँच गए। तो ये क्या हमें देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बैक्टीरिया में। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का आप ये एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया होता है, और कैसे होता है आप समझा भी सकते हैं कि इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा है ग्रोथ मॉडल, तो वो क्या होता है, वो होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक जैसे मैंने कहा लॉजिक वाली बात करेंगे। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या कह रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कह रहा है कि कोई एक एनवायरनमेंट है, हैबिटेट है, वहाँ पे क्या होगी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगी और अनलिमिटेड मतलब फूड और स्पेस होगा। तो वहाँ पे कोई हो सकता है कि कॉम्पिटिशन भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, पैरासिटिज्म प्रीडेटर कुछ नहीं है वहाँ पे, तो ऐसी पॉपुलेशन एकदम एकदम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, मतलब ग्रेटर और ग्रेटर रेट पे जो पॉपुलेशन की साइज़ है वो बढ़ती जाती है। लेकिन आप खुद भी सोच सकते हैं और हम नेचर में देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नेचर में नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड फूड है, या कोई भी चीज़ है, शेल्टर है, कुछ नहीं है भाई, सब लिमिटेड है। और क्या होता है, इसीलिए कॉम्पिटिशन होता है, ठीक, तो वो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है, उसी में जो सर्वाइवल जो फिटेस्ट होता है इंडिविजुअल, वो सर्वाइव करता है और आगे रिप्रोड्यूस करता है,
ठीक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ हमें रियलिस्टिक बातें बताता है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट आता है कैरिंग कैपेसिटी का, ठीक है, उसी से रिलेट करके हम समझेंगे। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है, जिसको हम कैपिटल के से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या चीज़ है, नाम से पता चला है, कैरिंग करने की जो उसकी कैपेसिटी है, कैरी करने की कैपेसिटी, आपकी कैरी करने की कैपेसिटी है कि मान लीजिए आप एक बार में 4 या 5 बैग उठा सकते हैं, उससे आगे आप नहीं कैरी कर सकते, तो वो आपकी कैरिंग कैपेसिटी है। इसी तरीके से जो ये नेचर है, जो हमारी अर्थ है, उसकी भी एक कैरिंग कैपेसिटी है। वो इतना ही नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल सपोर्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं कर सकती, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो कर्व होता है ना, ऐसा कुछ होता है कि अगर आप यहाँ पे टाइम ले लें और यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ले लें, तो यहाँ पे एक भाई कैरिंग कैपेसिटी होती है, और जो ग्रोथ होती है वो कुछ ऐसी होगी कि ये ऐसे बढ़ेगी तो, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी के पास जाके स्टेबल हो जाएगी, मतलब वो उसके आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि नेचर की सपोर्ट करने की क्षमता क्या है, कैरिंग कैपेसिटी हम उसको कह रहे हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती, ठीक। तो बात करते हैं एक एक चीज़ की हम इसमें। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ तो सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा, हम ये बात करेंगे इस ऐसे पॉपुलेशन में जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसकी जो लिखा है वो बात कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला और कर्व की बात करेंगे। तो देखिए, पॉपुलेशन एग्जिबिट लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होंगी वहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ होगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम रियलिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, ठीक। इन दिस टाइप पॉपुलेशन एक्सपेंशन डिक्रीजेज एज रिसोर्सेज बिकम स्कार्स। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो टाइप है उसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन जो इंक्रीमेंट है, एक्सपेंशन है, वो डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होते जाते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स विद इन एवरी इको सिस्टम सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और द इफेक्ट्स ऑफ प्रीडेशन एंड डिजीज प्रिवेंट अ पॉपुलेशन फ्रॉम बिकमिंग टू लार्ज। एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, कोई भी पॉपुलेशन बढ़ ना जाए, तो उसके लिए हर इको सिस्टम में एक लिमिटिंग फैक्टर होता है जो उस पॉपुलेशन को एक कंट्रोल में रखने का काम करता है। जैसे कि इफेक्ट, प्रीडेशन का इफेक्ट होता है, हम पढ़ते रहते हैं कि जो मेंढक होते हैं अगर उनको सांप ना खाए तो दुनिया भर में मेंढक ही हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो हर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इकोसिस्टम में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे डिजीज़ होता है, डिजीज़ की वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन की जो स्पीशीज़ है वो मर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकती हैं। दीज लिमिटिंग फैक्टर डिटरमाइन एन इकोसिस्टम कैरिंग कैपेसिटी। और यही जो लिमिटिंग फैक्टर है, जो इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी है उसको बनाए रखने में, मतलब कैरिंग कैपेसिटी से वो चीज़ बाहर न जाए, जा ही नहीं सकती, ठीक है, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट गिवन ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज है, जो हमारी एनवायरनमेंट है, जो अर्थ है, वो सपोर्ट कर सकती है, उसको कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ डिस्क्राइब्स अ मॉडल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ दैट टेक्स इनटू अकाउंट कैरिंग कैपेसिटी एंड इज देयर फॉर अ मोर रियलिस्टिक मॉडल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कैरिंग कैपेसिटी के साथ जोड़ के रखता है, उसी के अंडर लेके बात करता है, और इसीलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है वो ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडल होता है, ठीक। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कहता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल अ पॉपुलेशन फर्स्ट ग्रोज एक्सपोनेंशियली बिकॉज देयर आर फ्यू इंडिविजुअल्स एंड प्लेंटीफुल रिसोर्सेज। As the population gets larger and approaches the environment's carrying capacity, the resources become more scarce and the growth rate slows. तो logistic growth model क्या कहता है कि पहले तो population की जो size होती है वो grow करती है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे individuals कम रहते हैं और resources ज़्यादा रहती हैं, तो सबको मौका मिलता है भाई बड़े से reproduce करते हैं, अपना number बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे population बढ़ती जाती है और जो nature की environment की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके पास पहुंचती जाती है, तो रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे भाई, पॉपुलेशन बस बढ़ रही है, तो इससे क्या होता है, जो ग्रोथ रेट होता है वो स्लो हो जाता है। दिस लीड्स टू द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स एस शेप्ड कर्व। तो एक्सपोनेंशियल में हमें जे शेप्ड मिलता है और लॉजिस्टिक में हमें एस शेप्ड मिलता है। तो देखिए क्या होता है, यही हमारा कर्व होता है कि टाइम होता है, ये पॉपुलेशन साइज है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी होती है, इससे आगे नहीं जा सकता पॉपुलेशन साइज। तो पहले तो क्या होता है, पहले तो जो पॉपुलेशन साइज है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते जाता है, लेकिन जैसे जैसे कैरिंग कैपेसिटी के पास आता है वो स्टेबल हो जाता है, अब नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो ये क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला देखिए हमारे पास ये आता है, सबसे पहले तो हमारा वही रहेगा dN/dt, ठीक है।
मतलब चेंज इन पॉपुलेशन साइज पर यूनिट टाइम। उसके बाद हमने जो निकाला आरएन आएगा ही, और यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी क्योंकि कंसिड्रेशन में आती है, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता पॉपुलेशन साइज, तो यहाँ पे हमारी और भी चीज़ें आती हैं के अपॉन एन अपॉन के। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का। तो यहाँ पे के का होता है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक, एन मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी इज टाइम टी, और आर का मतलब हम जानते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ केसेस हैं, ठीक है, दो केसेस हम देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ग्राफ है दोनों का एक साथ मिला के, ये कौन सा है हमारा एक्सपोनेंशियल और ये है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक। तो देखिए दो केसेस हैं कि हमारा ये वाला फॉर्मूला है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का, ठीक है। तो केस पहला ये है कि जो एन है, जो पॉपुलेशन साइज है, वो अगर बहुत ज़्यादा कम है केस में, बहुत ही कम, एकदम ही कम, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे है, तो सबसे कम चीज़ क्या होगी, एन इसका टू जीरो ही होगा, ठीक है, पॉपुलेशन जीरो होगी, सबसे कम तो वही होगा ना, तो क्या होगा। तो देखिए इस फॉर्मूले में पुट करेंगे अगर हम, तो डी अपॉन डी टी हो गया, तो आर एन आएगा और के माइनस यहाँ पे जीरो, ठीक। एन क्योंकि कम होगा, सबसे कम जीरो ही होगा, तो क्या होगा, तो k माइनस जीरो करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ k बचेगा और k से k कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक, dn ओपन dt इज इक्वल टू आर एन आ जाएगी। देखिए अगर ये चीज़ कट जाएगी, यहाँ पे k माइनस अब वो कर रहे हैं जीरो, तो यहाँ पे k बचेगा और आर एन इंटू के अपॉन के करेंगे तो कट जाएगा, तो ये आएगा। तो मतलब अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, ठीक, ये बात तो हमने पहले की, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, k की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कैरिंग कैपेसिटी है, रिसोर्स अवेलेबल है, पॉपुलेशन साइज एकदम जीरो है, फिर तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो ये एक केस होगा। यहाँ पे जो k माइनस एन है वो एक्चुअली डिनोट क्या कर रहा है, तो ये बताता है कि अभी कितने रिसोर्सेज बचे हुए हैं, ये बताता है हमें। तो ये पहला केस होता है। दूसरा केस हमारा ये आएगा कि अगर एन और के बराबर हो जाए, मतलब पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी से बराबर हो जाए, मान लीजिए कैरिंग कैपेसिटी है किसी को सिस्टम की 1000 की, 1000 पॉपुलेशन, 1000 इंडिविजुअल सपोर्ट कर सकती है, और पॉपुलेशन 1000 पहुंच गई, फिर क्या होगा। तो फिर क्या होगा कि के की एन की जगह आप के रखिए, क्योंकि एन के बराबर हो गया है, तो के माइनस के जीरो हो जाएगा, सपोज जीरो ही क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, तो जो पॉपुलेशन साइज है, चेंज इन पॉपुलेशन साइज अपॉन पर यूनिट टाइम, तो जीरो हो जाएगी, मतलब ग्रोथ रेट जीरो हो जाएगी, फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। तो ये हमने डिस्कस किया जो हमारे ग्रोथ मॉडल्स थे उनके बारे में।